कैसे भाग रही नहा लो नहा लो, गर्मी है। अच्छा इनको शावर कर दो अच्छी तरह, फिर ये सो जाएंगी आराम से। बाहर इन पे बिल्ली ने अटैक किया है एक दो दफ़ा। शावर कर दो अच्छी तरह, भागेंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आया है मेरा, और वो क्यों आया इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। व्लॉगिंग क्विट कर दी है या नहीं की है ये भी आपको बताती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ी है या नहीं छोड़ी। तो बस अभी आपको हम बताते हैं। तो बस ये जो आप अभी उस वक्त सुन रहे थे ना कि एग्जाम से डर लगता है, तो वही रीजन था, रीजन है हमारा व्लॉग अपलोड ना करने का, क्योंकि आई नीड 100% ऑफ माई चाइल्ड। तो बस मुझे ये होता है कि ये 100% अपना दें और मैं अपना 100% दूँ और ये अपना 100% दें। तो बस इनके पेपर्स एग्जाम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपनी कंसंट्रेशन कहीं और इधर उधर नहीं लगाना चाह रही, और फिर इसी वजह से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही। व्लॉगिंग छोड़ी नहीं है क्योंकि जब फ्री टाइम होता है तो बंदा और करे भी क्या, तो फिर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यूँ समझ लें कि एक मिनट का भी टाइम नहीं है, इतने ज़्यादा बिज़ी हूँ बच्चों में, इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। और बच्चों की डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शिद्दत की गर्मी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों के हाइड्रेशन का ख्याल रखना पड़ता है सारे दिन में, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। मतलब बच्चों से आप सारा दिन नहीं आप उनकी किसी भी चीज़ में चूक सकते। तो बस स्टडी टाइम होता है हमारा दोपहर में, दोपहर से इवनिंग तक, और उसके बाद डे टाइम में जब स्कूल से आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं बिकॉज़ ऑफ टू हॉट वेदर। तो फिर उसकी वजह से बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी कुछ ना कुछ उनको मिनते तरले करनी पड़ते। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि लस्सी चुप करके पी लेंगे या इस तरह नहीं, आधा आपकी वजह से गिरा है, खुश होकर नहीं पीते, उनको बहुत मुश्किल से ना खिलाना पिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए। तो लेकिन करना भी है, बच्चों की हेल्थ का मामला है, तो बस इस वजह से ऊपर से पेपर्स हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार हो जाएं कुछ ऐसा। तो बस गर्मी इंतहा की है, टॉप टॉप की जो गर्मी होती है ना वो गर्मी है, और पेपर चल रहे हैं इतनी गर्मी में। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि घर में बच्चे सुकून से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब पेपर दे के आते हैं ना, तो आज तो कह रहे थे मम्मा रिक्शे में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ना रिक्शे में बिल्कुल हवा नहीं लगती, ऊपर से बच्चे ज़्यादा थे, आज सारे बच्चे एक साथ ही आते हैं अब क्योंकि सबकी छुट्टी एक साथ है। तो बस अब सो रही थी, अब परिंदे भी मर रहे होंगे इतनी ज़्यादा गर्मी में, और लोग बस अल्लाह ताला सबको बचाए। ये कुछ पुरानी पिक्चर्स मैंने अपलोड कर दी हरम की अपने बाबा के साथ, तो बस वो मेरे सामने आई ना तो मैंने वो अपलोड कर दी। अच्छा जी, तो मैंने आपको रीज़न बता दी है व्लॉग्स अपलोड ना करने की, क्योंकि मैं रेगुलर ऑलमोस्ट दो दिन बाद कर रही थी व्लॉग्स अपलोड और इस तरह, तो बस वीडियोस भी काफ़ी अपलोड कर चुकी हूँ। तो डेली व्लॉगिंग जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो बिल्कुल आप वेले हैं तो फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं, तो फिर मैं वेली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और छोटे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल सकता।
दूसरा ये है कि ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, जब आप आज को स्ट्रगल कर लेंगे अपने बच्चों के लिए तो फिर कल आपको ही आसानी होगी, बच्चों के ऊपर थोड़ी सी मेहनत हम कर लेंगे तो कल को हमारे लिए ही आसानी होगी। तो बस फिर इसी वजह से मैंने व्लॉगिंग को ज़रा साइड पे किया है और मैं अपने बच्चों के लिए अपना टाइम सारा कंज्यूम कर रही हूँ, ताकि मुझे कल को ये ना हो कि मैंने इधर उधर टाइम अपना वेस्ट कर दिया। और अच्छा जी, फिर जब आप बच्चों पे तवज्जो देते हैं ना तो बच्चे भी अपना 100% आपको देते हैं। अच्छा, गर्मी तो ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन अपने बच्चों को लस्सी जरूर पिलाएं, नींबू पानी पिलाएं और दही की लस्सी आपके बच्चे अगर पीते हैं आप वो उनको बना के पिलाएं। जब भी स्कूल से आएं आप उनको दही की लस्सी पिलाएं, अगर पीते तो आप उनको कच्ची लस्सी पिलाएं जो कि दूध से बनती है, थोड़ा सा दूध में उसमें नमक डालें और पानी डालें। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये दही की लस्सी नहीं पीते, बहुत मुश्किल पीते हैं, तो फिर मैं इनके लिए ना वो कच्ची लस्सी बना लेती हूँ ताकि ये डिहाइड्रेशन बच्चों को ना हो। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इनको ना दिन में 1 से 2 दफ़ा ये ज़रूर दें, शाम में नींबू पानी बना के दें ताकि बच्चों में किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन ना हो। और वो स्कूल गोइंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे बेचारे, स्ट्रगल, क्योंकि पेपर्स अगर जिन बच्चों के हो रहे हैं तो उनका स्ट्रगलिंग फेज भी है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है अगर पानी की कमी हो जाए। तो बस बच्चों के लिए और अपना भी ख्याल करें, क्योंकि हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग किचन आवर्स बहुत ज़्यादा ना स्वेटनिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो अक्सर ये होता है कि अगर पानी वानी या लस्सी ना पिए तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो बस फिर मैंने आजकल मल्टी वाइटामिन लेना भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे ना वैसे ही गर्मी में मुझे ना पता नहीं क्यों चक्कर आने लग जाते हैं और सर में दर्द। तो बस फिर कुछ मल्टी वाइटामिन्स आप लोग ज़रूर लें जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वो माओं की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बच्चों के काम ख़त्म नहीं होते, घर के काम के साथ साथ बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोग अब मल्टी वाइटामिन्स वैसे भी अपनी ना लाइफ में इंक्लूड रखें, क्योंकि जब एक औरत ने काम सारे देखने होते हैं, ऊपर से आपने बच्चे जब पैदा किए होते हैं, चाहे वो सी सेक्शन से हों चाहे वो नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी बॉडी जो है ना उस तरह से नहीं रहती, उसमें वो एनर्जी नहीं रहती। तो मल्टी वाइटामिन आप लोग ज़रूर लें, तो और वाइटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम धूप उस तरह से नहीं ले पा रहे होते जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए धूप ज़रूरी होती है। तो क्योंकि आजकल घर बंद हैं बिल्कुल और धूप बिल्कुल भी नहीं आती, तो हमें चाहिए कि हम ना महीने में 1 या 2 विटामिन डी भी लें। तो बस वो भी बहुत ज़रूरी है, और मल्टी वाइटामिन जिसमें जिंक भी हो और बहुत सारे वाइटामिन हों वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप वाइटामिन भी अपनी लाइफ में इंक्लूड रखें, वाइटामिन ई भी लें, तो डिफरेंट वाइटामिन जो है ना वो आप ज़रूर लें। कुछ कॉमन वाइटामिन मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाते हैं जो कि वो भी आपको रिकमेंड कर देते हैं, और बहुत अच्छे मतलब फीमेल्स के लिए ही होते हैं वो, क्योंकि जो जो कमियां उनमें होती हैं वाइटामिन की, तो उसी पर्पस के लिए होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि माँ सेहतमंद तो औलाद का मुस्तकबिल भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि अगर हम ही बीमार रहेंगे तो बच्चों का हम फ्यूचर कैसे बना सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे। जब हमें एनर्जी और स्टैमिना नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने बच्चों को ठीक से पाल सकेंगे या पढ़ा लिखा सकेंगे या उनका कोई फ्यूचर हम सिक्योर कर सकेंगे, बना सकेंगे। तो बस इसी वजह से आप लोग अगर कोई ऐसा इशू है आप लोग विटामिन ज़रूर लें, चाहे अगर आपकी एज अंडर 30 है या अप टू 30 है, तब भी आपको विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में सारे विटामिन हैं, हम तो ये भी खाते हैं हम तो वो भी खाते हैं, आप जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन विटामिन की जो नीड्स है ना वो हमारी बॉडी में फिर भी रहती हैं कोई ना कोई विटामिन की। तो बस वो लेंगे ना तो आप इंशाल्लाह एक्टिव भी रहेंगे, और कुछ लेडीज़ हैं वो विदाउट विटामिन भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो ऐसे ही एक्टिव रहें, बहुत अच्छा है। लेकिन विटामिन्स मुझे नहीं लगता कि औरत विटामिन्स के बगैर रह सकती है। तो बस जी, इसी तरह से कुछ बातें थीं जो आपकी भले के लिए ही थीं, और कुछ गर्मी की बातें थीं। अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, और गर्मी बहुत ज़्यादा है छत पर पानी डाल के रख दिया करें ताकि चिड़िया तोते वगैरह भी पानी पी सकें और आपको सवाब भी मिले। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।